कुछ खास में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे मसाला चिकन ब्रेस्ट। तो दोस्तों मैं ये चिकन ब्रेस्ट लेके आया हूँ 1 किलो। इसके मैंने मीडियम पीसेस कर लिए हैं, ये देखिए मैंने मीडियम पीसेस कर लिए हैं। और सबसे पहले हम इसको मसाले डाल करके और मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए डालें 2 चम्मच मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, इसको हम डाल देंगे। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1/3 डालेंगे हम गरम मसाला, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और अब इसमें डालेंगे हम 100 ग्राम दही, जिसको कि मैंने स्ट्रेन करके रखा है, इसका पानी मैंने सेपरेट कर लिया, अब इसको भी हम डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें मैरिनेट होने के लिए करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो दोस्तों अब करीब 1 घंटा हो गया और देखिए हमारा चिकन ब्रेस्ट अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया और अब हम आगे की कुकिंग शुरू करते हैं। एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे हम, इसके गरम होने के इंतज़ार करेंगे। दोस्तों अब हमारा तेल गरम हो गया, अब हम इसमें ये सब चीज़ें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है तेज़पत्ता, सिनेमन स्टिक, इलायची डोडा, इलायची, काली मिर्च और लौंग। और अब इसमें डाल देंगे हम ये कटे हुए प्याज, इसको हिलाएंगे और प्याज के पकने तक इंतजार करेंगे। जब ये हल्का भूरा हो जाएगा तब ये प्याज पक जाएंगे। देखिए दोस्तों अब ये प्याज हल्के भूरे हो गए और अब हम इसमें डालेंगे ये मैरिनेट किए हुए चिकन ब्रेस्ट। अब हम इसको करीब 20 मिनट तक कुक होने देंगे, बीच बीच में हिलाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं करीब 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट में अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे। तो दोस्तों अब करीब 20 मिनट हो चुके हैं और देखिए ये हमारा चिकन ब्रेस्ट, मसाला चिकन ब्रेस्ट रेडी है। तो एंजॉय कीजिए इसे पराठे के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू।